दोस्तों नमस्कार, आप सभी मित्रों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और अभी हम लोग रामरेखा धाम जिला सिमडेगा झारखंड से करीब 4 किलोमीटर पहले हैं और हम लोग जसपुर से, मैं और हमारे मित्र ललित इंद्र जैसे कि आप जानते हैं और हमारे मित्र अनिल सिंह जी, तो हम लोग तीनों जो है बाइक के माध्यम से रामरेखा धाम जा रहे हैं। अभी 4 किलोमीटर बचा है और अभी हम लोग एक बेहतरीन जगह में रुके हैं। देखिए ये रोड है और इधर जाएंगे तो सिमडेगा जाएगा, यानी कि रामरेखा धाम जाएगा। तो आपको बता दें कि रामरेखा धाम जो है सिमडेगा ज़िला का, झारखंड का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, कुछ दिन रहे थे। तो अगर आप दोस्त जो है अगर रामरेखा धाम नहीं आए हैं तो हम आज दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज मेला है तो भीड़ भाड़ होगा और साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है तो मंदिर वगैरह तो बंद होंगे, तो हम आपको बाहर से दिखाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आज जो है यहाँ प्रसिद्ध जो है कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है। तो चलिए अब सफ़र को जारी करते हैं, अब पहुँचने ही वाले हैं और साथ ही साथ हम मेला का माहौल भी आपको दिखाएंगे। और काफ़ी लोग जो है दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आ रहे हैं। अभी बहुत ट्रैफिक है इस रोड में, है ना, और आगे चल के तो और ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं और यहाँ पास हम आपको जो है दिखाते हैं व्यू। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा ये ऊँचा जगह में है तो इधर देखिए पूरा चारों ओर जो है घने जंगल है, पहाड़ हैं, है ना, और इधर शानदार जो है ये रोड जो है बना हुआ है। पहले यहाँ आने जाने के लिए रोड उतना अच्छा नहीं था लेकिन अभी जो है बहुत अच्छा सड़क जो है यहाँ बना दिया गया है। और इधर तो पूरा भीड़ भाड़ होना शुरू हो गया है। पूरा गाड़ी का स्टैंड है देखिए, इधर इधर ही रोकेगा बाइक को, यार जाने नहीं देगा। तो हम लोग पहुंच गए, अब बाइक को स्टैंड में लगाते हैं। दोस्तों हम लोग रामरेखा पहुंच गए लेकिन जो रामरेखा पहाड़ है उससे नीचे में है और यहाँ प्रवेश द्वार है तो यहाँ से हमको पैदल ऊपर चढ़ना है। तो ये शानदार प्रवेश द्वार है, ठीक है, और गाड़ी हम लोग पार्किंग कर दिए उधर, तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। चलिए हम आपको सामने दिखाते हैं, ये हमको ये देखिए और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत ही शानदार जगह है। ये पहाड़ मेरे को बहुत शानदार लग रहा है, इधर ट्रैकिंग करने से मजा आ जाता है यार। सकते कहा सकेंगे ना चढ़ना। पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा नहीं? ये स्टोरी बोलते है। तो ये मेला का माहौल देख लीजिए, और ये शुरुआत है क्यों यार, असली मेला उधर है, अभी तो ये गेट में ही है। पूरा इधर देखिए लाइन से मिठाइयाँ की दुकान, मिठाई की दुकान इधर लगी हुई है, सजी हुई है, बहुत ही शानदार लग रहा है, है ना। तो रहा इधर मिठाई आइटम थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए पूरा लाइन से इधर, मेरे को पहल का याद आ गया है, लाइन से रखा है। सही बोल रहे हैं, तो ढंग से बताइए ना भाई हमारे दोस्तों को, पहल वाला ब्लॉग अभी तक नहीं आया है ऐसा? हाँ, फिर भी बता दीजिए, बताइए। मतलब जब हम लोग उड़ीसा में, मतलब भुवनेश्वर में थे तो भुवनेश्वर और कटक के बीच में जो पहल है वहाँ जो है मिठाइयों की दुकान इसी तरह से सजी हुई थी ना, लाइन से लेकिन अंतर बस इतना है कि वहाँ केवल रसगुल्ला और छेना का मिठाई केवल मिलेगा आपको, छेना पोड़ा, गाजा, रसगुल्ला
और यहाँ पूरा बालूशाही और सब का आइटम है गजा का। बाकी मिठाई तो मिठाई है, मिठाई तो मिठाई है, कुछ भी होगा ना, देख के तो यहाँ भी मुंह में पानी आ रहा है। सही बात है, तो टेस्ट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल ना, यहाँ भी टेस्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी चलिए अभी भ्रमण कर लेते हैं, है ना। इधर देखिए लकड़ी पे नाम और चावल पे नाम, तो चावल में नाम लिखवाना है, चावल में। लेकिन अब किसका लिखवाइएगा, जो उम्र वो खत्म हो गया ना, ना ना वो उम्र खत्म हो गया ना चावल में नाम वाला, चाबी छल्ला पकड़ के घूमने वाला। मैं 2009 के बाद मेला अभी आ रहा हूँ। हाँ 2009 के बाद, हम तो भैया कब 2000 में आए थे, 2009 में हम 2000 इसी में आए थे मेला, उसके बाद रामरेखा आया हूँ, कितना साल बाद, 22 साल के बाद। नहीं रामरेखा तो आए थे पिछले साल हम लोग, अनिल भाई मेला में नहीं है, लेकिन मेला में नहीं है। अभी एक तो पहलू है रामरेखा आना अलग बात है, रामरेखा मेला आना अलग बात है। नहीं इस रोड में तो कई बार आपके साथ भी गुजरे हैं। सही बात, तो इधर देखिए शानदार व्यू, क्या बेहतरीन व्यू है यार। थोड़ा कम हो गया, हाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, नहीं तो और शानदार जो है नजारा आता पूरा। इधर जो है रामरेखा की जो पहाड़ियाँ हैं पूरा एकदम शानदार यहाँ से व्यू। तो इसके बारे में थोड़ा महत्व बताइए, ये जो इसको क्या कहा जाता है थोड़ा बताइए। जल आचमन गंगा कुंड, गंगा कुंड जब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ थे तो उस समय जब उनको पानी की जरूरत थी तो उनके धनुष से एक इस गंगा की उत्पत्ति है। एक तो गंगा जो बहती है वही गंगा का पानी जो है यहाँ आता है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये गंगा कुंड कहा जाता है, और इतने ऊंचे पर्वत माला में इस तरह का मैंने जलीय संरचना होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर डायरेक्ट इधर हमको देखा, इधर पूरा नीचे इलाका है, इधर पूरा ढलान है, और इस तरह से जो है पानी का स्रोत होना एक बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, हाँ साल भर आप ग्रीष्म ऋतु में भी आएंगे, गर्मी के सीजन में भी, तो भी पानी का लेवल इतना ही मिलेगा, एक एक बहुत सोचने वाली बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी दर्शन करना है वो कर ले, 4 बजे से 6:30 बजे तक गर्भता समय है उस टाइम में। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वाद्य यंत्र के दुकान में, गली में कह सकते हैं, और इधर जितना भी देख रहे हैं ये पूरा बिक्री के लिए है, ये पूरा जो है ढोल वगैरह है, और इधर आप जाएंगे तो नगाड़ा वगैरह है, ये देखिए पूरा बिक्री के लिए रखा गया है सब। क्या क्या रेट का है थोड़ा बता दो हमारे दर्शक। 4000 ये वाला 4000 रुपये, ये 3500। कहाँ से बेच रहे हैं? ये बड़ा शीशे से है, तारीख में 14000। इसमें भैंस की खाल का उपयोग किया जाता है। हाँ भैंस का खाल है पूरा, इधर पूरा जो है मार्केट लगा है, ज्यादातर नगेड़ा दिख रहा है, क्योंकि इधर शादियों में नगेड़ा का प्रचलन है, और इधर तो की बिगामा कमी ज्यादा है जबकि इधर है ना, और खरीदने वालों की भीड़ है। ये देखिए कटहल की लकड़ी का है। हाँ कटहल का है। अच्छा ढोल नगाड़ा के बाद अब हमारे छत्तीसगढ़ में जब कर्मा जितिया का जब
उत्सव होता है उस समय जो वाद्य यंत्र मतलब मांदर जो बजाया जाता है उस और अब चलते हैं चलते हैं। चलिए ढोल नगाड़ा तो क्या है कि ये शादी विवाह का है, लेकिन ये गरमा उर्मा के लिए हमारे क्षेत्र में मांदर का मांदर का लोकप्रिय है। ये मांदर इसको कहा जाता है। क्या क्या रेट का है भाई? 3000। इधर कपड़े और कंबल का इधर पूरा स्टॉल लगा है, कपड़े और कंबल इधर ये गली में हम लोग जा रहे हैं अभी। तो चलिए बताइए कहाँ हैं हम लोग। लगभग 1.5 घंटा घूमने के बाद धूप और गर्मी से तिल मिलाए हुए हैं और गुपचुप खाने के लिए आए हैं। ठीक है जी, प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आ रहा है, मतलब मॉडरेट है। कैसे जी? अब पीस में दो ना, 3 पीस दो ना जी, प्लेट भी नहीं है। धरिया धरिया, तो ये हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। एकदम गर्म है यार, तो ये देखिए टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से खिलौना ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बाबू साकेत के लिए, और महोदय ये कार गाड़ी ले रहे हैं, और बेटा साकेत के लिए लिए हैं ये, दिखाइए जी, ये हॉकी स्टिक और बॉल गेंद, महोदय ले रहे हैं ये गाड़ी। 180 वाला लेंगे, बढ़िया चक्का दिया है, ले लीजिए, खुश हो जाएगा। 100 रुपये बच्चे की खुशी के सामने। तो धीरे धीरे हम लोग बहिर्गमन करते हुए, क्यों महोदय, मेला डांड से ज्यादा कुछ नहीं है, खिलौना है और ये मेला का संदेश मतलब मिठाई। जब हम लोग गाजा खाए वही गाजा है, और इधर महोदय पेठा ले रहे हैं, और खिलौना बस हम लोग का वही है, कम्बल उम्बल का रेट। हाँ लेना है तो ढो के ले जाएंगे बाइक में, क्या करना है। तो हम लोग बाइक स्टैंड में पहुंच गए हैं और अब हम जाने का समय है, और हम लोग इधर देखिए कंबल लेके जा रहे हैं, 3 कंबल, ये हमको अच्छे रेट में पड़ा इसलिए हम लोग इसको ले लिए थोक के भाव में। ललित जी 2 ठो ले रहे हैं और अपने लिए एक, तो इसको अब लोड करते हैं, 2 ठो को अनिल भाई का स्कूटी में लगाते हैं, 1 ठो हम लोग कैरी कर लेंगे। अटेगा यार पैर रखने के लिए जगह, अरे रखेंगे ना इसमें, क्या दिक्कत है। हाँ तो ब्रेक मारना है ना, कुछ करना है, हो गया ना, एक जुगाड़ लगे इसमें बन जाएगा ना। तो अब हम लोग जाते हैं, रेडी हो गए हैं है ना, अब मैं इसको पकड़ के पीछे बैठूंगा, तो है ना। तो चलिए अब जसपुर पहुंचते हैं, फिर वहीं ब्लॉक को एंड करते हैं, क्यों यार। दोस्तों ये है झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, अब हम लोग अपने राज्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो बोर्ड था ये वाला है ना, ये झारखंड है, और इधर देखिए आगे छत्तीसगढ़ का बोर्ड लगा है हरे रंग में और झारखंड का नीला पट्टी में। तो यहाँ देखिए चेकिंग चल रहा है ना छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा,
और इधर छत्तीसगढ़ शासन का ये स्वागत वाला बोर्ड लगा है। दोस्तों हम लोग रामरेखा धाम से गम्हरिया जसपुर पहुंच गए हैं, अभी है मोती होटल में। तो वहाँ हम लोग बस मीठा वगैरह का टेस्ट किए है ना, और नाश्ता वगैरह में वहाँ कुछ अच्छा नहीं मिला, मेला में बहुत रस था। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म कटलेट बना है मोती होटल का, एकदम गर्मा गर्म है, तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए वेज कटलेट बहुत ही शानदार। अनिल भाई बताइए, आप पहली बार खा रहे हैं जी? पहली बार खा रहा हूँ। हाँ काफी स्वादिष्ट है, बेहतरीन। तो हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, अब आ गया है चाय, मोती होटल का फेमस चाय। तो चाय का स्किल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चाय का चुस्की के साथ ब्लॉग को अब एंड करने का समय आ गया है। तो महोदय रामरेखा मेला कैसे लगा जरा बताइए, शॉर्ट में बताइए। स्वीट एंड शॉर्ट, जिससे मतलब क्या बोले, मतलब अचानक से वो जाने जाने पहुंच गए रामरेखा धाम। हाँ इतना उम्मीद नहीं थी, तो उससे ज़्यादा शॉपिंग करके आ रहा मैंने तीन गो बड़ा बड़ा कंबल, रजाई वाला कंबल कहेंगे, मोटा वाला लेके आ रहे हैं। कुल मिला के आज का दिन शानदार रहा है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे दोस्त वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। तो अंत में जय श्री राम।